कम्यूटिंग बाइक इज अ वाइडली यूज सेगमेंट इन इंडिया एंड 125 सीसी की बाइक्स इसमें काफी मेजर रोल प्ले करती हैं। सो टुडे आई हैव अ बाइक जिसने इस 125 सीसी सेगमेंट को एक न्यू आइडेंटिटी दी है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे आई हैव द टीवीएस रेडर विद मी। टीवीएस रेडर में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो इस पूरे सेगमेंट की किसी बाइक में आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या कुछ ऑफर करती है ये टीवीएस रेडर, एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी ऑन द रोड, वो आपको दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसके प्रैक्टिकल राइड पे एंड फिर बात करेंगे मेरे वर्डिक्ट की, मेरे कंक्लूजन की। सो स्टार्ट करते आज का रिव्यू, आज की वीडियो इस टीवीएस रेडर के साथ। So this is the TVS Raider in front of me and अब टाइम इसके डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, क्या फीचर्स हैं, सब मैं आपको बताता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। तो ये आपको बेसिकली फोर वेरियंट्स में मिल जाती है, दैट मीन्स सिंगल सीट, स्प्लिट सीट, सुपर स्क्वाड एडिशन एंड स्मार्ट एक्स कनेक्ट। जो अभी मेरे सामने बाइक खड़ी है ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट टॉप एंड वेरियंट है एंड कहीं ना कहीं जो TVS का वो DNA है ना जो हमें अपाचे में भी दिखता है, तो वो आपको ज़रूर इसमें एक झलक उसकी मिल जाएगी। ओके, फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करूँ हेडलैम्प्स की, तो कंप्लीट यहाँ पे आपको LED सेटअप दिया गया हेडलैम्प का। तो ऊपर जो ये दो सेटअप है LED के, ये लो बीम के एंड यहाँ पे ये जो हाई बीम का सेटअप आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पे DRLs आपको कुछ इस तरीके से दी गई हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसको एनिमलिस्टिक डिज़ाइन का नाम दिया गया है एंड यस, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो आपको हेलोजन ही इसमें मिल जाएंगे। एंड कमिंग टू द फ्रंट सस्पेंशन, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दी गई हैं एंड फ्रंट व्हील्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं जिसकी प्रोफाइल है 80-100R17 एंड फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, हालांकि जो रियर व्हील है उसमें आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। सो नाउ कमिंग टू द साइड ऑफ द TVS रेडर, तो यहाँ से भी आपको वही स्पोर्टी अपील, स्पोर्टी फील डेफिनेटली लुक्स में मिलने वाली है जो हमने फ्रंट में भी देखी। एंड यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो सीट हाइट है यहाँ पे आपको 780 mm की सीट हाइट मिल जाती है। ओके, एंड जिसके वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल आपके लिए हो जाती है बाइक, अगर आपको इस बाइक में चढ़ना है उतरना है, इवन फॉर द पिलियन। एंड यस, ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। एंड और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसकी बात अब कर लेते हैं। यस, यहाँ पे आपको इंजन गार्ड भी मिलने वाला है जिसकी वजह से वो स्पोर्टी अपील थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। एंड इंजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3-valve इंजन आपको मिलेगा 125 cc का विद TVS इंटेलिजेंट ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। यस, इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दे रखा है। रियर जो ब्रेक है उसका पैडल आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो राइडर है उसके लिए फुटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जो रियर पिलियन है उसका फुटरेस्ट आपको यहाँ दिया गया है। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट डिज़ाइन मिल जाएगा। इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ, नाउ मैं रियर व्हील की बात करूं तो यहाँ पे 17 इंचेस का ही एलॉय व्हील आपको मिल जाएगा, जो प्रोफाइल है वो है 190R17। नाउ कमिंग टू द रियर, तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात अब कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो टेल लैंप्स है वो आपको कंप्लीट LED सेटअप में मिलेंगे, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही मिल जाएंगे एंड यस, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी आपको दे रखे हैं एंड यस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है अंडर द सीट, हालांकि वो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। तो सी, आपको ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा तो आप कुछ छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, अगेन यहाँ पे रेडर की बैजिंग आपको मिल जाएगी एंड जो गियर शिफ्टर है बेसिकली वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद फुटरेस्ट फॉर द राइडर एंड फॉर द पिलियन। एंड नाउ कमिंग टू द सीट, तो यस, ये टॉप एंड वेरियंट है जो मैंने आपको बताया था स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला, तो इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन ही मिलेगा, बट स्टिल जो स्प्लिट सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है। ओवरऑल जो एरिया वगैरह है वो काफ़ी कंफर्टेबल दिया गया है, नॉट ओनली फॉर द राइडर, इवन फॉर द पिलियन। नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ओवरऑल काफ़ी स्पोर्टी मस्कुलर डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द हैंडल बार, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हम उसकी बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी दिया गया है एंड यस, रियर व्यू मिरर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साइज वगैरह डिसेंट है। लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लच पैडल दिया गया है इन क्रोम टाइप फिनिश एंड ज़्यादा हार्ड, या मैं बोलूँ ज़्यादा टाइट
हालांकि आपको ये फील नहीं होगा, दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे लो बीम हाई बीम का बटन आपको मिल जाएगा, डिपर या पास वाला बटन आपको मिल जाएगा, वॉइस कमांड का फीचर भी इसमें आता है, मैं उस पर आता हूँ। जो इसमें कनेक्टेड फीचर्स है ना, जो आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ आपको वॉइस असिस्टेंट भी फीचर मिल जाता है, दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे इंडिकेटर के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे हॉर्न भी मिल जाएगा। हालांकि जो क्वालिटी है, इट फील्स गुड एंड प्रीमियम। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ राइट साइड में क्या कुछ चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे ब्रेक भी वो ही क्रोम फिनिश में जो ब्रेक पैडल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ड्राइविंग राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, बेसिकली इको एंड पावर। मेन्यू का बटन है बेसिकली, ये कंट्रोल करता है यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, उस पर मैं भी आऊँगा। एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई किल स्विच हालांकि नहीं दे रखा है इसमें, ओके। अब बात कर लेते हैं जो डिस्प्ले या मैं बोलूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह आएगी मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली, सी तो एक साउंड भी हल्की सी आती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 5 इंच की कलर्ड TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगी। डिजिटल मिल जाएगी बट कलर TFT आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मिलता क्या क्या है, यहाँ पे कौन से गियर पे है, न्यूट्रल पे है वो आपको दिखाएगा, RPM डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, स्पीड यहाँ पे आपको दिखाएगा, जो फ्यूल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखा देगा। एंड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ट्रिप वगैरह वाली वो आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन्यू बटन है, ठीक है, आप उसको दबाओगे तो यहाँ पे देखो अभी ट्रिप ए है यहाँ पे, नाउ ट्रिप बी, नाउ रेंज, नाउ एवरेज माइलेज, देन अगेन ट्रिप ए, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यस, पावर मोड और इको मोड में आप स्विच करोगे तो थोड़ा लेआउट और कलर स्कीम भी यहाँ पे बदल जाएगी। एंड यस, ये ऑटोमेटिक एम्बियंट सेंसर के साथ आती है, जैसे ही आप इसे डार्क में लेके जाओगे या रात को चलाओगे तो ओवरऑल जो बैकग्राउंड है इसका वो डार्क मोड में शिफ्ट हो जाता है। एंड जैसे आप इसको दिन में चलाओगे तो ब्राइट जैसा अभी है वाइट बैकग्राउंड के साथ वो इसमें आ जाता है, तो अगेन ये एक अच्छा फीचर इसमें दिया गया। इतना ही नहीं, इसमें आपको जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट है बेसिकली ऐप के थ्रू, TVS कनेक्ट ऐप के थ्रू आप फ़ोन अपना कनेक्ट कर सकते हैं। एंड 99 कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में किसी और बाइक में आपको नहीं मिलते। 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपको ओवरऑल मिल जाएगी, तो धूप वगैरह में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसे देखने में, इसके इन्फॉर्मेशन पढ़ने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ये सब कुछ था इस TVS Raider के बारे में। अब टाइम है आपको बताने का क्या है इसकी परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी राइड। सो अब लेके चलते हैं इस TVS Raider को एक प्रैक्टिकल राइड में। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम राइडिंग दी TVS Raider। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी राइड का क्या फील है, क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड इंजन वगैरह की बात कर लेते हैं, पहले पावर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 3 वॉल्व का 125cc का इंजन मिलता है, मैक्सिमम पावर 8.37 किलोवाट की मिलती है, मैक्सिमम टॉर्क वो भी आपको 11.2 न्यूटन मीटर का मिलेगा। एंड ये जो इसमें टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का, वो मैक्सिमम है इस पूरे सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा टॉर्क इसमें है, ओके। एंड अब इस टॉर्क का, इस पावर का क्या फील है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सी 125cc सेगमेंट है, कम्यूटिंग बाइक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पावर लाइक अगर आप ऑब्वियसली ये कम्यूटिंग बाइक है तो सिर्फ विद इन सिटी आप चलाओगे ज़्यादा, तो उसके अंदर आपको कोई इशू फील नहीं होगा पावर से रिलेटेड। तो पावर इज रियली गुड फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। 0 से 60 अराउंड 5.9 सेकंड में कर जाती है। मैं आपको एक लॉन्च करके दिखाता हूँ 0 से, ओके। इको मोड में भी दिखाऊंगा, पावर मोड में भी दिखाऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। सो ये डाल दी न्यूट्रल में, पावर मोड में पहले दिखा देते हैं। फर्स्ट गियर एंगेज, 1 2 3, 9000 RPM तक रेफ करता है पावर मोड में, सी रेड लाइन कर जाता है आराम से। थर्ड गियर पे है, 70 क्रॉस कर गया है, फोर्थ गियर डाल दिया, 85 क्रॉस, थोड़ी ढलान आ गई है फ्लाईओवर पे तो 90 क्रॉस कर गया है। तो ये था एक पिकअप पावर मोड में, ओके। तो न्यूट्रल पे अगेन इको मोड में डाल लेते हैं, 1 2 3, फर्स्ट गियर एंगेज, 1 2 3, 9000 RPM पे गया, सेकंड गियर पे है, 50 पे रुक गई, थर्ड गियर डाला, थर्ड गियर में 70, फोर्थ गियर
80 क्रॉस फिफ्थ गियर, 90 क्रॉस, ठीक है। तो 90 तक, 80-90 तक आराम से चली जाती है, उसके बाद इट टेक्स टाइम टू रीच 100, ठीक है। वो बॉडी वेट पे भी हालांकि डिपेंड करता है, जैसा कि मैं बोल रहा था, पिकअप एंड मिड रेंज इज़ गुड। एंड यस, अगर आप फिफ्थ गियर पे हैं, जैसे अभी 57 पे चल रहा है, मुझे ओवरटेक करना है उस ट्रक को, ट्रक सिटी स्पीड लिमिट में ही चल रहा है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि बहुत क्विक ओवरटेक मैं कर पाऊँगा, ठीक है, इट टेक्स इट टाइम। तो वही चीज़ है कि वो हाई रेंज में आके उतनी एक्साइटिंग नहीं रहती, बट लो रेंज पिकअप मिड रेंज आपको काफ़ी सही इसमें लगने वाली है, कोई डल परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, ओके। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अबाउट दी ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, तो जो पैडल शिफ्टर है, जब उससे आप गियर चेंज वगैरह करते हैं, तो वो क्लिक साउंड डेफिनेटली आती है, तो वो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, दैट मीन्स आपको पता लग जाता है गियर शिफ्ट हो रहा है। तो गियर शिफ्टिंग का फील है वो सही है। क्लच की मैं बात करूँ तो क्लच का जो ज़्यादा टाइट नहीं है, आपको ज़्यादा इशू फील नहीं होगा क्लच को प्रेस करने में, ठीक है। सिटी वगैरह में ओवरऑल कोई हैसल आपको लगेगा नहीं डेली कम्यूट में ना इसके ट्रांसमिशन से। एंड जब आपको गियर डाउनशिफ्ट भी करना है कई बार पावर के लिए, तो इमीडिएट डाउनशिफ्ट हो जाता है, सिर्फ ये अपशिफ्ट फोर्थ है, ये थर्ड डाला, ठीक है। तो डाउनशिफ्ट रिस्पॉन्स अच्छा है गियर शिफ्टिंग का, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सो सस्पेंशन थोड़ी आपको इसकी रिजिड साइड में मिलेगी, ज़्यादा भी रिजिड नहीं है, थोड़ी रिजिड साइड में आपको इसकी सस्पेंशन मिल जाएगी, बट ओवरऑल कम्फर्ट ना इज़ गुड, ट्रस्ट मी, ओवरऑल कम्फर्ट अच्छा है। एंड जो थोड़ी मोटी एंडुलेशन है, थोड़े खराब पैचेस आते हैं, तो कंफर्ट अच्छा, डेफिनेटली जो फीडबैक है सस्पेंशन का वो डेफिनेटली अच्छा फील होता है। बट यस, वो ज़्यादा डीप गड्ढे वगैरह है, उस पर आप स्पीड में ले जा रहे हो, तो थोड़ा वो रिजिड, थोड़ी स्टिफ सस्पेंशन है, तो डेफिनेटली वो हाई स्पीड में अगर आप निकालोगे डीप गड्ढों वगैरह में से, तो डेफिनेटली वो थोड़ा फील होता है। बट जैसे अभी फ्लाईओवर के जॉइंट्स आ रहे हैं, 56 पे चल रही है, मुझे फील नहीं हो रहा, ट्रस्ट में। तो आराम से आप निकालोगे गड्ढों वगैरह में से, तो फीडबैक अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग वगैरह की, क्या सीन है। सी, कम्यूटिंग बाइक है, अगेन लाइट वेट है, ओके। तो सिटी स्पीड में चलाओगे तो बाइक स्टेबल फील होगी, ओके। बट जैसे आप इसे हाई स्पीड में करोगे ना, सी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा 80-90 के आसपास आके ना, थोड़ा आपको स्टेबल ज़्यादा फील नहीं होती। सी, एंड स्पेशली कब, जैसे अब मैंने ये 70 की स्पीड में है, मैंने एक हाथ छोड़ दिया, तो स्टेबल फील आपको थोड़ी कम होगी डेफिनेटली। एंड अब बात कर रहे थे ब्रेकिंग वगैरह की, तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक्स मिलती हैं, ओके। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, तो जब आप सिर्फ रियर ब्रेक्स प्रेस करते हैं ना, तो स्लाइटली सी आगे वाली ब्रेक भी प्रेस खुद ही लगती है बेसिकली। मैं सिर्फ पीछे वाली ब्रेक लगाऊंगा, अभी सिर्फ मैंने पीछे वाली ब्रेक लगाई है, फुल प्रेस करी है, सो रिस्पॉन्स इज़ गुड, क्वाइट गुड, ओके। आगे डिस्क ब्रेक है, तो उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है, आपको ब्रेकिंग में कोई इशू फील नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। तो नॉइज़ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंजन का अगर आप आराम से चलाओगे, सिटी लिमिट्स में चलाओगे, तो इंजन रिफाइंड आपको फील होगा, ज़्यादा डिस्टर्ब आवाज़ करेगी नहीं, ज़्यादा वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब करेगी नहीं इसमें। एंड अब बात कर लेते हैं राइडिंग कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो इस चीज़ में बहुत सही बाइक है ये, ट्रस्ट मी। पर मैं बताता हूँ, एक तो जो ड्राइविंग पोस्चर है वो ज़्यादा वो डायनामिक आगे आपको ज़्यादा बेंड हो के वैसा नहीं है, मुझे कंफर्टेबल लगा, मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है, ओके। सो उस मामले में राइडिंग जो सिटिंग पोस्चर है वो आपको सही मिलने वाला है, कोई इशू फील आपको नहीं होगा। सो दिस इज़ अबाउट द राइडिंग कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस। उसके बाद मैं बात करूँ फ्यूल इकोनॉमी की। सो अगर आप इसे आराम से चलाओगे, जेंटली चलाओगे एंड इको मोड ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आप अराउंड 60-65 km/h आराम से निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। हालांकि अभी तो मैं ये शूट करते हुए पूरा आपको दिखा रहा हूँ पावर मोड में लॉन्च करके ये सब, तो अभी जो फ्यूल इकोनॉमी है मैं देखता हूँ कितनी दिखा रहा है, तो वहाँ पे अभी 45 दिखा रहा है, ऐसी एवरेज माइलेज जो है वो 45 की वहाँ पे शो हो रही है अभी। सो दिस इज़ अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज़ Everything about the TVS Raider. अब टाइम है मेरे वर्डिट का, मेरे कंक्लूजन का, कुछ और बातों का। So here we go. So this is all about the TVS Raider. And अब बात कर लेते हैं मेरे वर्डिट की, मेरे कंक्लूजन की। So see, वैसे तो इस सेगमेंट में आपको और भी बाइक्स मिलती हैं। For example, Honda की SP 125, Hero की Extreme 125R,
बजाज पल्सर NS125। बट कुछ चीजें हैं जो आपको सिर्फ इस बाइक में मिलेगी इस पूरे सेगमेंट में। सबसे पहले आता है लाइट वेट, जिसकी वजह से TVS रेडर को ट्रैफिक में सिटीज में मैनूवर करना काफी इजी काफी कंफर्टेबल हो जाता है। देन आल्सो इस पूरे सेगमेंट में TVS रेडर ही ऐसी बाइक है जिसमें आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। इसके बाद फीचर्स की बात करूं तो अगेन इस बाइक में आपको सबसे ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। सो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आपको 125cc में एक ऐसी बाइक चाहिए जो लुक्स में रोड प्रेजेंस में तो अच्छी हो ही, बट उसके साथ साथ आपको फीचर्स भी मिले, टेक्नोलॉजी भी मिले एंड एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिले, तो आई थिंक TVS रेडर इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो ये था मेरा रिव्यू, मेरे ओपिनियंस इस TVS रेडर के बारे में। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार के साथ या कुछ ऐसी एक्साइटिंग बाइक के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।